नमस्कार दोस्तों, टेको टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप। तो दोस्तों, काफी लोग नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आप भी उनमें से एक होंगे क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं आपसे बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपका जो पहला अटेम्प्ट होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। जी हाँ, पहला अटेम्प्ट जो होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जो कि पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और ज़्यादातर 99% लोग जो है अपने पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि पहला जो अटेम्प्ट होता है वो आपकी टेस्टिंग के लिए होता है। तो यहाँ पास मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आपने एक कोई भी नई कंपनी खोली है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और बाय द वे आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो आपको क्या करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है कि आप कंपनी को कैसे क्लोज कर रहे हैं, या पुरानी आपकी कोई कंपनी है जो कंपनी अभी नहीं चल रही है तो क्या उसको बंद कर देना चाहिए। अगर आप नहीं बंद करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हैं, और अगर आपको बंद कर देते हैं तो क्या क्या फायदे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अगर आप भी अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, बिजनेस एडवाइस लेना चाहते हैं, तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कीजिएगा। दोस्तों, आज सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है जो आज के डेट में नहीं चल रही है तो आपको उसको बंद कर देना चाहिए। इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि अगर आप उसको बंद कर देते हैं तो उस पर लगने वाली जो कंप्लायंसेस है, जो गवर्नमेंट फीस है, जो पेनल्टी लग रही है, वो पेनल्टी से आप कहीं ना कहीं बचेंगे, और आपकी जो नाम भी जो है नाम भी खराब नहीं होगा। अगर आप उस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं तो भी आप बचेंगे। तो यहाँ पास मैं आपसे बताना चाहूंगा कि स्ट्राइक ऑफ भी सेम चीज है, कंपनी रिमूवल ऑफ नेम भी सेम चीज है, और कंपनी क्लोजर, ये तीनों जो टर्म्स होते हैं तीनों टर्म्स एक ही है। ये तीनों टर्म्स एक ही है, कोई अलग अलग टर्म्स नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई कंपनी स्ट्राइक ऑफ में चली गई है मतलब वो बंद हो चुकी है, कोई कंपनी क्लोज हो चुकी है मतलब बंद हो चुकी है, कोई कंपनी नेम रिमूवल हो गया है तो भी इसका मतलब होता है बंद हो चुकी है। तो इस वीडियो में प्राइवेट कंपनी को कैसे हम लोग बंद कहते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप और रूल्स बाय रूल्स हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला चीज है कि कंपनी क्लोजर करने का क्या प्रोसीड्योर है। तो दोस्तों, अगर आप कंपनी एक्ट 2013 देखेंगे तो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 248 में बताया गया है, और इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 2016 में जिसमें कि कंपनी का जो नाम रिमूव करना है उसके विषय में बताया गया था। तो ये आपको अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर सेक्शन 248 और जो लास्ट इसका अमेंडमेंट था आपके कंपनी रूल्स 2016 के अंतर्गत आप अपनी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ या बंद कर सकते हैं। ना दोस्तों, दूसरी बात क्या होती है कि कंपनी बंद करने का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो जब भी आप कंपनी बंद करने के लिए मतलब एप्लीकेशन देंगे तो उसके पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको जो करना चाहिए कंपनी बंद करने से पहले, तो आपकी जितने भी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज यानी जो भी आपकी देनदारी होती है वो चीज आपको खत्म कर लेना चाहिए, और जहां भी आपको देना है वहां से दे लेके अपना एनओसी आपको ले लेना चाहिए, ताकि आपको कंपनी बंद करने में या कंपनी क्लोज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और एनओसी लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनओसी नहीं लेते हो तो कंपनी क्लोजर में प्रॉब्लम आएगी। तो आपकी जो भी लायबिलिटी है, जो भी एसेट है, वो सब चीज़ों का आप हिसाब किताब करके अपनी बैलेंस शीट को नील कर लीजिए, और उसके बाद उसका एनओसी लेके ही आप कंपनी को बंद करने के लिए अप्लाई कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पहला कदम होता है ना दोस्तों। अभी दूसरा कदम क्या होता है कंपनी बंद करने में। तो दोस्तों, कंपनी बंद करने में सबसे पहली बात है कि जो आपके 75% जो मेंबर्स बोलिए या डायरेक्टर्स बोलिए, तो 75% लोगों की अनुमति होनी चाहिए, 75% लोगों की अनुमति होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जब आप कंपनी बंद करते हो तो आपको एक जो डायरेक्टर होता है वो सारी बातों की मतलब सारी बातों की कंपनी बंद करने की जितनी भी चीज़ों के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दो जो कदम होते हैं प्राइवेट कंपनी को बंद करने के लिए होते हैं। और इसके बाद ये दोनों चीज़ें जब हो जाती है तब आप जो है कंपनी क्लोजर के लिए फॉर्म डालिए, और इसकी जो भी गवर्नमेंट फीस होती है अलोंग विथ प्रोफेशनल फीस ऑफ सीए, तो आप यहाँ पास दे सकते हैं। कोई खास गवर्नमेंट फीस नहीं होती है, लेकिन आपको आपको ये चीज़ें बता दूँ कि अगर आप कंपनी अपनी क्लोजर नहीं करते हैं या कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो कंपनी पे जो पेनल्टी होती है वो पेनल्टी ज़्यादा होती रहती है, और ये
आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। तो दोस्तों अगर आपकी कंपनी पहली कंपनी नहीं चली तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए पहला बिजनेस कभी भी पहला बिजनेस हमेशा टेस्टिंग के लिए बना होता है, करने के लिए नहीं बना होता है। पहला बिजनेस फेल होता है 99% लोगों का, तो इसीलिए आप घबराइए मत, नए काम कीजिए, नए स्टार्टअप कीजिए। और अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कीजिए। और आपसे कहना चाहूँगा कि अपने अगर कोई पुराने केसेस है, मतलब पुरानी कंपनी, तो उसको स्ट्राइक को भी कर दीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों कि जानकारी आपको काम आई होगी। काम आने से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।